हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मनी वेस्ट वेब सीरीज के बारे में। अरे यार, बार बार मुंह से मनी वेस्ट मनी वेस्ट मनी हेस्ट वेब सीरीज के बारे में। मनी हेस्ट यार, ये जब से एक इमेज देखो ना मैंने, उसके बाद से दिमाग का भो हो गया है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मनी हेस्ट बोलूँ कि मनी वेस्ट बोलूँ। और जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि ये शो पाकिस्तान में बन रहा है या बन चुका है या पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बस जब से ये इमेज देखा उसके बाद से दिमाग पूरी तरह से हिल गया है कि यार टिकटॉकर्स लोग कब से शोज बनाने लगे। सीरियसली यार, ये सस्ता मनी वेस्ट मनी हेस्ट बर्दाश्त के बाहर है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 के रिलीज डेट के बारे में, जो कि फाइनली अब ये रिलीज़ होने वाला है। इसी साल शो रिलीज़ होने वाला है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इसी साल अप्रैल 2021 में रिलीज़ होगा, लेकिन अब जो अपडेट आई है तो उससे ये पता चलता है कि भाई मेकर्स इसको अगस्त 2021 में रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड के वजह से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो गई है। मूवीज़ और सीरीज़ की शूटिंग हो रही है, लेकिन काफ़ी लिमिटेड लोगों के साथ, काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शूटिंग हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इस वजह से सीज़न 5 की रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीज़न 5 में अभी 15 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड्स की लेंथ भी ज़्यादा होगी, लेकिन एज अ मनी हेस्ट फैन हमको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन ऑडियंस में से है कि जिनके लिए मनी हेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज़ में से एक है। और इसमें अगर 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 15 हो या 20 हो, कितने भी एपिसोड, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको बस मनी हेस्ट का सीज़न 5 मंगता ही मंगता और बस किसी भी हाल में ही हमको चाहिए चाहिए। भाई जल्दी से जल्दी इसके अपडेट दो और कन्फर्म अपडेट दो, ताकि हमको भी दिल में सुकून पड़े कि हाँ भाई इस मंथ ये रिलीज़ होगा, इस डेट में ये रिलीज़ होगा, तो हम लोग अपने सारे काम पहले निपटा लेंगे और उस दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के बस शो को इन्जॉय करेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैं मनी हेस्ट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ये पर्टिकुलर शो में मुझे वो हर चीज़ मिल जाती है जो एक अच्छे शो से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक अच्छी कहानी मिलती है, अच्छे कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, अच्छा BGM, अच्छी सिनेमेटोग्राफी, अच्छे एक्टर्स का परफॉर्मेंस, गजब का थ्रिल, सस्पेंस, यानी वो सारी की सारी चीज़ें मुझे अलग अलग शोज में देखने को मिलती है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर जिसको आप लोग कभी भुला नहीं सकते, जैसे कि प्रोफेसर और बर्लिन, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो ऑल टाइम मेरे फेवरेट है। लेकिन उसके अलावा डेनवर, टोक्यो, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नैरोबी के बारे में तो आप लोग मुझसे कुछ पूछो ही मत। मनी हेस्ट सीजन 5 का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि जो हेटर्स हैं वो लोग हेट करते रहेंगे और उनसे हमको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हेटर है जिनको वाकई में भिड़ना है, तो भाई एनी टाइम आ जाओ, उनको मैं चैलेंज देता हूँ। भाई एक बार अपने दिमाग से हेट हटाओ, अनबायस होकर ये शो को देखो। और अब तो ये हिंदी डब में भी रिलीज़ हो गया है, तो भाई जाओ देखो, इंजॉय करो, एंटरटेन हो। तो यार बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन बाय।